वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल स्टे होम। तो स्टे होम से आज मैं थोड़ा सा आगे बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नेम थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली मेरा चैनल जो है वो किस बेस पर है, मतलब किस टाइप की वीडियोस मैं बनाती हूँ। बनाती मैं काफी टाइप की वीडियोज हूँ, लेकिन जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वो है फैशन एंड डेकोर। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, दैट इज स्टे होम फैशन एंड डेकोर। जो मैं आपको वीडियोज दिखाती हूँ वो फैशन और डेकोर के ऊपर दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल नेम से ही पता चल जाए कि मेरे वीडियोस में क्या क्या होता है। तो होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मोस्टली जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी वो फैशन एंड डेकोर के ऊपर देखने को मिलेंगी, और बाकी मैं शॉर्ट वीडियोस में अपने अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली नवरात्रि स्पेशल है। नवरात्रि के स्पेशल मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ ज्वेलरी हॉल। तो मोस्टली जो ज्वेलरीज होती है वो नवरात्रि के जो फर्स्ट क्लिक आता है वो आता है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, या तो मैं आपके साथ कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी शेयर करूंगी और कुछ नवरात्रि की, जैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा मल्टी कलर कपड़े पसंद आते हैं, मल्टी कलर आप लोग लहंगा चोली पहनते हो, तो वो मैं आप लोगों के साथ उस टाइप की ज्वेलरी शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हो कि ये मैंने एक ज्वेलरी सेट पहना हुआ है, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मीशो से लिया था, मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिल गया था। तो ये मेरा जो मैंने आज लहंगा पहना है ये भी नवरात्रि स्पेशल लहंगा है, और इसकी जो शॉर्ट वीडियोज है मैंने इसका फुल जो मतलब लुक है मैंने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, पहले या फिर बाद में, जैसे भी आप लोग देख लेना। और चलिए फिर मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट जो मेरी रीसेंट बाय है वो ये है, ये वाली ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, आई मीन इयर रिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं हर एक कुर्ता पे, लहंगा पे, तो ये अगर आप लहंगा चोली पहनने वाले हो तो ये इतने बेस्ट रहेंगे, और ये इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिले थे, मतलब कैन यू बिलीव इट, ये मुझे सिर्फ 109 रुपीज का रिसीव हुआ था, ये बहुत ही, और ऊपर से मीशो पर जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये वाले इयर रिंग्स है वन ऑफ माई फेवरेट्स, सॉरी। तो फर्स्ट तो यही था, और जो सेकेंड इयर रिंग्स है वो है ये सब मैंने मीशो से बाय करे हुए, मैं आपको लिंक और इनके जो भी कोड्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और मुझे प्लीज बताते रहना कमेंट्स में कि आप लोगों को कौन से ज्यादा इयर रिंग्स अच्छे लगे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, मतलब ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी ये, तो मैं बहुत ही क्विकली आप लोगों को सब कुछ ये ज्वेलरीज दिखा दूंगी, बहुत ही मिनिमम कलेक्शन है। तो देन ये आता है इयर रिंग्स, ये एक्चुअली इसका जो है ये नेक पीस भी है इसके साथ का, तो ये वाले इयर रिंग्स जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको सिर्फ इयर रिंग्स ही पहनने होते हैं, इसके साथ जो है वो ये नेक पीस है, आपको इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस ऐसे लगाना होता है इसको, और ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये। अगर आपकी ड्रेस में सिल्वर टच है तो आप ऑक्सीडाइज के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, सिल्वर ऑक्सीडाइज। अगर आपके पास गोल्डन ऑक्सीडाइज है, मतलब गोल्डन कलर में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, तो वो भी आप पहन सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, जो भी आपकी ड्रेस होगी। देन आता है ये गोल्डन में, इसमें मल्टी कलर के छोटे छोटे बीड्स हैं, ये भी बहुत अच्छे, मतलब नवरात्रि के लिए ये लोग बने हैं, ये चीज बनी है, बहुत ही ज्यादा प्रिटे लगते हैं ये। मेरे पास थोड़े बहुत कलरफुल मल्टी कलर वाले इयर रिंग्स हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपके एकदम से नहीं समझ आता कौन से इयर रिंग्स पहनने हैं, तो ये वाले जो मल्टी कलर वाले इयर रिंग्स होते हैं ये बेस्ट होते हैं, और आपको ये कहीं भी जब भी आप मार्केट में जाओगे तो कोई भी जो लोकल मतलब ठेली वगैरह होती है उसको उस पर भी मिल जाता है बहुत ही अच्छे प्राइस पे, मतलब कंपैरिजन शॉप्स के, तो इनकी क्वालिटी भी सेम ही रहती है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो ये कुछ ये होती हैं, आई मीन ये कुछ मल्टी कलर इयर रिंग्स हैं, और उसके बाद एक और मल्टी कलर का इयर रिंग्स मेरे पास है। ये सब ज्वेलरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ इयर रिंग्स, ये इजिली आपको या तो मार्केट से या फिर मीशो वगैरह पे कोई भी ऐप पे आपको इजिली मिल जाएगी। ये सिर्फ एक आइडियाज है कि आप लोगों को नवरात्रि पे कैसे इयर रिंग्स पहनने चाहिए कैसे नहीं, तो ये मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज अपने शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आते हैं ये, आप इस टाइप की गोल्डन ज्वेलरी भी पहन सकते हो, क्योंकि गोल्डन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, क्योंकि किसी किसी ड्रेसेस में आपके बीड्स होती हैं या पर्ल वाला वर्क होता है, तो ये बेस्ट चलेगी उनके साथ। एंड देन नेक्स्ट आता है झुमके, ये गोल्डन ऑक्सीडाइज में झुमके हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाले झुमके ऐसे होते हैं कि आप कैसे भी पहन सकते हो साड़ी सूट पे, तो ये वाले मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं, तो ये वाली ज्वेलरी भी आप ले सकते हो। ये तो आप लेके झुमके वगैरह जो भी होते हैं ना आप लेके रख लिया करो, कभी ना कभी तो वो काम आएंगे, और ऑक्सीडाइज में मैंने ये वाले भी ले रखे हैं छोटे छोटे, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ये मुझे। एंड लास्ट हैं ये वाले इयर रिंग्स,
ये भी मैंने लेके रखे हुए हैं, अभी तक मेरे को पहनने का मौका नहीं लगा, तो जब भी लगेगा तो मैं जरूर पहनूंगी। तो ये वाली कुछ इयररिंग्स ऐसे हैं कि आप लोग नवरात्रि में पहन सकते हैं, अगर आप बाहर डांडिया नाइट के लिए जा रहे हैं तो ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये बेस्ट रहेंगे आपकी ड्रेस के साथ। कैसी भी टाइप की आप ड्रेस पहनो, जरूरी नहीं आप लहंगा चोली पहनो, कुछ लोग कुर्ता सेट भी पहन के जाते हैं, तो उन्हीं सब के हिसाब से मैंने आपको ये ज्वेलरी दिखाई है, इयररिंग्स दिखाए हैं। और किसी किसी को होता है कि नेक पीस नहीं पहना जाता क्योंकि मानसून में नहीं लोग कैरी कर पाते, तो उन लोगों के लिए ये वाला इयररिंग्स का मेरा कंप्लीट वीडियो था। और इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई कैन से, ये वाले जो नोज पिन्स है ये मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे, ये सिल्वर और गोल्डन दोनों ऑक्सीडाइज में है, मतलब सिल्वर ऑक्सीडाइज भी है गोल्डन ऑक्सीडाइज भी है, क्योंकि मेरी नोज पियर्स नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो ज्यादा तो मैं नहीं पहनती बट स्टिल ये कभी कभी अच्छा लगता है। तो और अगर आप ये नवरात्रि नाइट में पहनोगे तो ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लगने वाली है। तो ये सब जितना भी था मैं आप लोगों को सब कुछ इनके प्राइस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और चलिए यहाँ पर ही मेरी वीडियो एंड होती है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो यार, मुझे पता ही नहीं चलता है कि अच्छी है या बुरी है या क्या है या नहीं है, मतलब मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि आप लोगों को कौन सी ज्वेलरी पसंद आई है क्या नहीं। तो कुछ भी अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज मुझे बताया करो यार, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ अच्छा था। तो बस इतना ही, सो आज के लिए हैप्पी नवरात्रि एंड थैंक यू सो मच।